नए साल के आगमन को लेकर अभी से ही यातायात पुलिस सजग हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस के साथ कार्यालय में बैठक कर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की सघन जांच अभियान चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध जुर्माना सहित अन्य कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। पूरे मामले पर मिरर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि नए साल को देखते हुए पार्क में वाहनों की पार्किंग सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध अभी से ही जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था सुगम करने के उद्देश्य से अभियान निरंतर चलाए जाएंगे। नौ वर्ष को लेकर धनबाद में यातायात की किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इस संबंध में आज यातायात थाना के सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें नौ वर्ष के समय में पिकनिक स्थलों में पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने वाले मार्ग में किस प्रकार की यातायात व्यवस्था की जाएगी, इन सभी मुद्दों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही ऐसा देखा जाता है कि नौ वर्ष के आगमन के समय में काफ़ी लोग शराब पीकर वाहन का परिचालन करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी अभियान चलाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जो निरंतर प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जो है अभियान चलाएंगे, जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके विरुद्ध। सर, जैसे अभी तो काफी दिन है, उसके पहले अभियान चलाने की तैयारी होंगी, उसके बाद भी क्या सर निरंतर अभियान चलते रहेंगे, जैसे पूरा जनवरी 1 जनवरी तक? यातायात पुलिस के द्वारा यह अभियान निरंतर चलाया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसे विशेष रूप से जो है नौ वर्ष के आगमन को देखते हुए चलाया जा रहा है।